नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर 12 बाई 12 के रूम में हम मार्बल्स लगाते हैं तो क्या खर्च आता है। अगर हम वहाँ पे वाइट मकराना मार्बल लगाते हैं तो क्या खर्च आएगा। जो मैं रेट इसमें बताने वाला हूँ, ये रेट जलंधर का है, और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में आपका सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है। क्या खर्च आएगा, डायमंड पे क्या आएगा खर्च, और हाफ डायमंड पे क्या खर्च आएगा, ग्रेनाइट पे क्या खर्च आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मार्बल की। वाइट मकराना मार्बल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। आपको हो सकता है उसके बारे में ऑलरेडी पता हो और रेट के बारे में ना पता हो। ये जो रेट मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जलंधर का रेट है। किसी दुकान का रेट फिक्स नहीं होता है, हर दुकान के रेट्स अलग अलग होते हैं। आप दुकान से विजिट करके नेगोशिएट कर सकते हैं। उसमें आपको एक मैं आइडिया दे सकता हूँ क्या खर्च पड़ेगा। अगर आप व्हाइट मकराना मार्बल की थप्पी लेते हैं, वो पड़ेगी आपको 100 से 110 रुपए के बीच में। मैंने हाईएस्ट रेट पकड़ लिया है 110 रुपए का, और 110 रुपए का। और इसमें जो आपको मार्बल्स लाने हैं, अगर आप स्कर्टिंग भी जोड़ोगे, उसके बीच में जोड़ोगे और फर्श का जोड़ोगे, तो फर्श जो आपकी पड़ेगी वही 144 फुट पड़ेगी। स्कर्टिंग भी आपका वही पड़ने वाला है, दोनों मिला के 192 फुट स्कर्टिंग और फर्श आपका होने वाला है इसमें। लेकिन इसमें हम मान के चलते हैं आपने फर्श फर्श नाप लिया, स्कर्टिंग नापनी, स्कर्टिंग इसमें आपका 48 फुट बनने वाला है। अब हम देखते हैं मार्बल का कॉस्ट क्या पड़ेगा। आपको जो मार्बल लाना होगा वो लाना होगा 165 फुट, क्योंकि स्कर्टिंग में पीस कट कट के लगती है 4 इंच की, तो उसमें आपका पीस बच जाएगा। इसमें मैं थप्पी का रेट बता रहा हूँ आपको। 165 फुट आपका मार्बल हो गया, 165 गुणे आपको इसमें कर लेना होगा 110, जो फाइनल निकल आके आता है, फाइनल फिगर आउट निकल के आता है, वो आएगा 18,150 रुपये। 18,150 रुपये फाइनल रेट निकल के आता है मकराना मार्बल का। अब हम बात करते हैं इसमें ग्राउट भी लगेगा। ग्राउट जो आपको पड़ेगा वो 2 किलो आपको ग्राउट लाना पड़ेगा। ग्राउट आपका पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आराम से चारों तरफ फिलिंग्स करी जाएंगी, ताकि मार्बल में कल को फिलिंग्स ना कहीं पे दिखे, सभी फीलिंग्स पहले ही कर दी जाएंगी रगड़ाई होने से पहले। अब बात करते हैं सीमेंट कितना लगेगा। सीमेंट लगेगा अडेसी, दोनों लगेगा सीमेंट, क्योंकि अडेसी ज़्यादा मजबूत पड़ता है आज के समय में, इसलिए अडेसी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए हम भी इस वीडियो में अडेसी को ऐड कर लिए हैं। 2 बोरी आपको लेना होगा सीमेंट और 3 बोरी आपको लेना होगा अडेसी। आपका जो सीमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा 450। हर जगह का रेट अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 400 का होगा, कहीं पे 420 का होगा, कहीं पे 450 का होगा। मैंने बड़ा रेट कर लिया 450, दोनों का मिला के 900 रुपये आपका सीमेंट का होगा। अब हम बात करते हैं अडेसी इसमें कितना लगेगा। अडेसी लगेगा 3 बोरी। अडेसी का जो 3 बोरी का कॉस्ट आने वाला है 1650 रुपये आने वाला है। 1 बोरी का रेट 550 रुपये आपको अडेसी का पड़ेगा। अब बात करते हैं रेता कितना पड़ेगा। रेता देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कितना ऊंचे है, मतलब ऊंची है, कितना नीची है, मतलब बेस लेवल उसके तैयार करने में कितना रेता लगेगा। मैं मीडियम में पकड़ के रेता चल रहा हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, मीडियम साइज रेते का पकड़ के चल रहा हूँ। आपका रेता पड़ेगा 27 फुट टोटल रेता पड़ेगा। जो ये अभी आज का रेता चल रहा है वो 70 रुपये हाइएस्ट चल रहा है, मैं 70 रुपये जोड़ता हूँ। अगर आप 27 गुणे 70 करते हैं तो उसका पूरा फाइनल फिगर आउट ये निकल के आता है 1890 रुपये फाइनल फिगर आउट रेता का निकल के आता है आपका। अब हम इसमें बात करते हैं मिस्त्री क्या लगेगा लगाने के लिए। जो मिस्त्री का लेबर चार्ज इसमें पड़ने वाला है वो पड़ेगा 25 रुपये पर फुट मिस्त्री लेगा मार्बल को लगाने के लिए। 25 रुपये पर फुट लेगा मिस्त्री मार्बल को लगाने के लिए। जो आपका पूरा इसमें मार्बल लगता है वो लगेगा 192 फुट टोटल निकल के आपका बनता है, जो इस पे लेबर चार्ज पड़ेगी। मैं अभी रगड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ मार्बल्स को लगाने लगाने का सिर्फ कॉस्ट 25 रुपये पड़ेगा। रगड़ाई की आगे बात करता हूँ। 25 रुपये से 192 में जब आप गुणा करेंगे उसका जो फाइनल रेट निकल के आता है वो रेट आएगा 4,800 रुपये टोटल आपके बनेंगे मार्बल को लगाने लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं रगड़ाई का क्या खर्च आने वाला है। रगड़ाई का 10 रुपये ग्रेनाइट, बेसिक ग्रेनाइट का पड़ेगा, जिसमें हल्की सी शाइनिंग होगी। और इसका जो खर्च पड़ेगा 1920 रुपये का
1920 रुपये का आपको एक खर्च पड़ने वाला। अगर आप 10 गुणे 92 करेंगे, 192 करेंगे तो यार रेट निकल के चलाएगा। 1920 रुपये रगड़ाई का आपका पड़ने वाला है। अब बात करते हैं हाफ, अब बात करते हैं कि मैंने ग्रेनाइट सिंपल ग्रेनाइट कराई हुई है, पूरा सिंपल ग्रेनाइट का रेट क्या पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर हमने इसमें हाफ डायमंड ऐड किया है तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। अगर आपने इसमें ग्रेनाइट डायमंड कराया है तो आपका जो टोटल कॉस्ट निकल आता है 29,510 रुपये, पूरा फाइनल कॉस्ट निकल आएगा ग्रेनाइट डायमंड का। अगर आप इसमें ग्रेनाइट कराते हैं तो बेसिक है इसमें, अगर आप हाफ डायमंड में जाना चाहते हैं तो मैं इसका रेट बताता हूँ। आपको हाफ डायमंड 4,800 रुपये का पड़ेगा और फाइनल जो आपका पड़ेगा पूरा पैसे मिला के 25 रुपये पर फुट के हिसाब से हाफ डायमंड होता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे हाफ डायमंड किस प्रकार से चमकता है, शाइनिंग बिल्कुल पानी की तरह रहेगी, देखने में लाजवाब लगता है हाफ डायमंड। अभी मैं फुल डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल डायमंड तो 50 रुपये पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा आपको। मैं सिर्फ इसमें हाफ डायमंड इंक्लूड किया हूँ, अगर आपको फुल डायमंड कराना होगा तो करा सकते हैं, उसमें आपका ज़्यादा खर्चा बैठेगा लेकिन हाफ डायमंड में कम बैठेगा। हाफ डायमंड ज़्यादातर लोग हर कोठियों में अभी करा रहे हैं, ग्रेनाइट पे लोग अभी कम जा रहे हैं। तो जो हाफ डायमंड का आपका पड़ेगा वो पड़ेगा 25 रुपये पर फुट का, आप 192 में गुणा करते हैं तो वो आपका रेट निकल आएगा 4,800 रुपये। अब हम बात करते हैं पूरा फाइनल कॉस्ट क्या आएगा फुल डायमंड हाफ डायमंड का, तो आएगा 32,390 रुपये पूरा हाफ डायमंड आपका तैयार हो जाएगा 32,390 रुपये में। फुल डायमंड किसी और वीडियो में चर्चा करते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को या नॉलेज मिला हो तो वीडियो में यस करके जरूर लिखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा ना लगा हो या लगा हो कि बस ऐसे ही बकवास था तो नो करके लिख दीजिएगा, हमें भी समझ में आएगा। अगर यार यहाँ तक बने रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, मैं तरह तरह के रिसर्च लाता रहूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नमस्ते।